नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। टेक एंड सोशल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात शेयर करने वाला हूँ। जैसे गैस की सब्सिडी जो आती है उसी से रिलेटेड टॉपिक है और ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत और परेशानी है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि जो गैस की सब्सिडी होती है, जो सिलेंडर का प्राइस होता है, वो आपको पूरे देने होते हैं और उसमें जो सब्सिडी का जो पैसा होता है वो आपके अकाउंट में आ जाता है वापस। कुछ परसेंटेज जो होते हैं 260 या 310 इसके करीब, इसके बीच में ही अमाउंट आपके अकाउंट में दोबारा से आ जाता है। जो आप गैस सिलेंडर लेते हैं उसके 10 से 15 दिनों में या 20 दिनों के अंदर ये अमाउंट वापस आ जाता है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये जो अमाउंट होता है ये आपके, अगर कई बैंक में अकाउंट है, मान लीजिए आपके नाम से सिलेंडर है और आपका ही अकाउंट कई सारे बैंकों में है, 3-4 बैंकों में है, तो ये सब्सिडी किसी भी बैंक अकाउंट के खाते में जा सकती है। अब दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है कि अगर किसी का 2 या 3 बैंकों में अकाउंट है या पहले कभी अकाउंट था, ठीक है, जो अभी रिसेंटली उन्होंने बंद किया है या चेंज किया है, मान लीजिए जैसे आपकी सब्सिडी एक बैंक में आती थी, आपने उस अकाउंट को बंद कर दिया, उसके बाद 2-3 और अकाउंट हैं दूसरे बैंकों में, तो सब्सिडी बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ जानी चाहिए जो बैंक अकाउंट ओपन है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और लिंक नहीं होता इस तरह से, जबकि ये कहा जाता है कि जहाँ पे आधार कार्ड लग रहा है वो उस अकाउंट में ये जा सकता है, किसी भी अकाउंट में जा सकता है। और जब आप पूछने जाते हैं, जो जहाँ से सिलेंडर आपको मिलता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप वहाँ पे पूछते हैं तो वो आपको बताता है कि आपका जो आधार कार्ड जिस जिस बैंक में लगा हुआ है ये अमाउंट उससे रिलेटेड किसी भी बैंक अकाउंट के खाते में जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक एक साल, दो दो साल हो जाता है, 1.5 साल हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 1 साल से ज़्यादा है, इतना टाइम बीतने के बाद भी आपको वो अमाउंट नहीं मिलता और आप बार बार बैंक के चक्कर लगाते हैं, पूछते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो आधार कार्ड है वो हर बैंक में लगा हुआ होता है। तो अब जब आप जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे तो ये शो करता है कि आपका आधार कार्ड लगा हुआ है और अगर सब्सिडी आनी होगी तो इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बैंकों के बीच में और आप ये सोचते हैं कि शायद आपकी सब्सिडी रुकी हुई है, क्या है। तो मैं इससे निपटने का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको जितने भी बैंक हैं, जो अकाउंट आपने बंद करा दिया है, ठीक है, वो तो बंद हो गया। जब बैंक एक बार अकाउंट बंद कर देता है तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। लेकिन जो आपका सब्सिडी वाला लिंक है, यानी उस बैंक अकाउंट से सब्सिडी आने का जो लिंक है, उसमें वो वाला बैंक शो करता रहता है, तो उसको सबसे पहले चेंज कराना चाहिए। ये चेंज कैसे होता है, किसी भी बैंक अकाउंट में, जो भी, जहाँ भी आपके बैंक अकाउंट है, यानी 2-3 बैंकों में, तो आपको वहाँ पर जाना है और किसी भी बैंक में, किसी एक बैंक को चुन लीजिए जहाँ आप चाहते हैं कि आपकी सब्सिडी आए, आपको वहाँ जाना है। अगर आपका आधार कार्ड लगा हुआ है, बैंक वाले मना करेंगे क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब आधार कार्ड लगा हुआ है तो आपका सब्सिडी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक वाले ये मना करते हैं कि अगर आपकी आधार कार्ड लगा हुआ है उस अकाउंट में तो आपकी सब्सिडी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, और नहीं आने का कारण दूसरा है। लेकिन सही कारण ये है कि आधार कार्ड सभी, जितने भी अकाउंट होते हैं, सभी में लिंक होता है, लेकिन जो सब्सिडी का एक ऑप्शन होता है उस पर टिक करना होता है। यानी आपको एक अलग से फॉर्म लेना है, ठीक है, सब्सिडी ट्रांसफ़र के लिए एक अलग से फॉर्म लेना है, उसको फिल करके और उस बैंक में, उस अकाउंट में उसको ज्वाइन करवाना है। तब उस कंडीशन में आपकी जितनी भी पीछे की रुकी हुई सब्सिडी होगी, जैसे मान लीजिए आपकी 1 साल से सब्सिडी नहीं आ रही है, तो पीछे की जितनी भी सब्सिडी होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट रुकी रहती है, वो कटती नहीं है, लैप्स नहीं होती, लैप्स भी नहीं होती, ख़त्म भी नहीं होती। यानी आपका अकाउंट 1 साल बाद, 2 साल बाद जब भी ज्वाइंट होगा सब्सिडी के लिंक से, तो वो सारा ही अमाउंट आपको आ जाएगा। एक साथ अमाउंट नहीं आता, अमाउंट इस तरह आता है, जैसे 260 रुपये अगर आ रहा है एवरी मंथ, मतलब सब्सिडी का, तो आपको मान लीजिए 12 महीने का रुका हुआ है तो आपको 12 मैसेज आ जाएंगे। लेकिन कभी जैसे ऐसे नहीं होगा एक साथ ही आएंगे 12 में से, 260 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट, 260 रुपये क्रेडिट इन योर अकाउंट, इस तरह के मैसेज आएंगे। मान लो 7 मैसेज अब आ गए,
फिर 15-20 दिन बाद एक दो मैसेज आ जाएंगे, फिर मतलब एक दो महीने में आपके सारे ही मैसेज आ जाएंगे और सारे ही फंड आपके अकाउंट में शो करने लगेगा। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब जो भी आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट पहले से खुले हुए 2-3 बैंकों के अकाउंट है, तो किसी एक बैंक में जाइए, वहाँ पे फॉर्म भरिए सब्सिडी का, स्पेशली कहिए मुझे भरना है भाई, तो वो चीज़ फिर उसके बाद उसे भर के और सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपका अकाउंट जुड़ जाएगा और जब आप जहाँ से गैस लेते हैं वहाँ पर भी जाएंगे तो आपका अकाउंट उनके कंप्यूटर में भी शो करेगा उसी बैंक का। अब अगर ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, इस चीज़ों से भी आपका सब्सिडी नहीं आती है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका अगर आपके नाम से सब्सिडी है तो सबसे पहले आपको एक नया बैंक अकाउंट खोलना है। किसी भी बैंक में खोल लीजिए जहाँ पर भी आसानी से खुलता है, ज़्यादा बड़े बैंक में आप खोलने जाएंगे तो जल्दी से खुलेगा नहीं, तो नए किसी बैंक में जो गवर्नमेंट का ही हो, गवर्नमेंट का ही बैंक होना चाहिए, और नए बैंक में आराम से खोल लीजिए, 1 या 2 दिन में एक्टिव हो जाता है वो अकाउंट। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे जब फॉर्म भरना है ओपनिंग का, तो उसमें गैस सब्सिडी ट्रांसफ़र पे क्लिक, मतलब वो सारी कॉलम भर देने हैं वो सारी चीज़ें सब्सिडी के लिए। तो जैसे ही आपका ओपन होगा उसके एक महीने के अंदर वो सारा ही अमाउंट 260 या 310 जो भी होता है वो कर करके सारे मैसेज आ जाएंगे, 1 से 2 महीने में आपका सारा फंड क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ आ सकता है। अब मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में ये था कि मेरे 3 अकाउंट थे, ठीक है, 1 प्राइवेट बैंक में और 2 सरकारी बैंक में, और तीनों जगह मतलब पहले 4 थे, पहले एक ICICI बैंक में भी था। तो क्या हुआ था, पहले सब्सिडी उसमें आती थी, आधार कार्ड सभी जगह लगा हुआ है, और मैंने जब अकाउंट ओपन किया था तो सब्सिडी के लिए सभी पे टिक किया था। उसके बाद ICICI में आता था, उसको मैंने क्लोज करा दिया, उस अकाउंट को क्लोज करा दिया, और उसके बाद से ही मेरा जो सब्सिडी है करीब 1.5 साल से नहीं आ रही थी, 1.25 या 1.5 साल से नहीं आ रही थी। और मैंने तीनों बैंक जो प्रेजेंट में ओपन थे उनमें जाके पता किया, बहुत सारी प्रोसेस की, लेकिन किसी ने सही तरीका नहीं बताया मुझे। सब ने यही कहा कि आधार कार्ड लिंक कराना होता है उसके बाद सब्सिडी आ जाती है, तो सही तरीका मुझे कभी नहीं बताया गया। तो करीब करीब 1.25 साल हो गया, और अभी मैंने रिसेंटली, और जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर जाता था जहाँ से गैस सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे जो इनके अकाउंट में वही पुराना वाला बैंक शो करता था, ठीक है, जबकि वो एक्चुअल में क्लोज हो गया है। मैंने बैंक से भी जाके पता किया तो वो अकाउंट परमानेंटली क्लोज हो चुका है, लेकिन वहाँ शो कर रहा है। तो जब मैं दूसरे बैंकों में गया कि सब्सिडी वाला मेरा इस तरह से मैटर है और आप इसको लिंक कर दीजिए कि आ जाए इसमें, तो वो सब यही बताते हैं, आपको खोल के नहीं बताते, वो यही कहते हैं कि आधार कार्ड आपका अगर लिंक है तो सब्सिडी आ जाएगी, किसी भी बैंक में जा सकती है। तो करीब 1.25 साल हो गया, मैंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा आ नहीं रही होगी या ऐसे ही लैप्स हो गया होगा, ख़त्म हो गया होगा, यानी पीछे का आप कहाँ मिलेगा, 1.25 साल का है तो वो अब मिलेगा नहीं, ठीक है, और नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आ जाएगा, तो यही उम्मीद थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन कराया, सब्सिडी को ध्यान में रख के नहीं, वैसे ही ओपन कराया एक बैंक अकाउंट, और उसमें मैंने सब्सिडी वाला फॉर्म रहता है, सारी चीज़ भरनी होती है, आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैंने भर ली। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मुझे 1-1.5 महीने बाद, करीब 1 महीने अकाउंट खुले हुए हो गया था, तो एक बार 10 मैसेज एक साथ आए, 260 या 310 कुछ रुपए थे, तो वो 10 मैसेज आए अलग अलग, ठीक है, आते गए, मतलब हर 1 सेकंड पे 2 सेकंड पे वो मैसेज आते हैं, कुछ ऐसे आए, कुछ 5-6 दिनों बाद 2-3 मैसेज फिर आए। तो इस तरह करके मेरा जितना भी बैलेंस था, मतलब 1.5 साल 1.5 साल का, वो सारा ही बैलेंस आ गया, यानी ये सारी चीज़ें हो गई 1 महीने के अंदर। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके पहले से अकाउंट खुले हुए हैं, ठीक है, अगर जो बंद हो गया है उसको एक बार कंफर्म कर लीजिए कि वो चीज़ बंद हो चुकी है, और जो पहले से खुला हुआ है आप वहाँ पे जाके, आधार कार्ड भले आपका लिंक हो लेकिन आप सब्सिडी का एक फॉर्म आता है उसको दोबारा से फिलअप करके बैंक में जमा करा दीजिए, तो आपका सारा ही पीछे का जितना बैलेंस है 1-1.5 साल से रुका हुआ पहले का पुराना, लैप्स नहीं होता ये आपको मिल जाएगा। अगर मैं 2 साल बाद भी करता तो भी मुझे ये सारे पैसे मेरे अकाउंट में आते। तो ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए, या कोई नया अकाउंट खोल लीजिए, ठीक है, वहाँ आप उस फॉर्म को दोबारा से सही से भरिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें फ़ंड ऐसे क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपका भी रुका हुआ है तो डरने की ज़रूरत नहीं है कि 1-1.5 साल 2 साल हो जाए, मतलब मैं 2 साल का ही बता रहा हूँ, 1.5 साल तो मुझे ही हो गया, 1.25 साल 1.5 साल, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं जब भी कोई नया अकाउंट ओपन करेंगे या अपने किसी पुराने अकाउंट को दोबारा से रीजॉइन कराएंगे, मतलब सब्सिडी ट्रांसफर में गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिए इस वीडियो को, जिससे
मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और इससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन, उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, जिससे इस तरह की सारी लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलेगी सबसे पहले। तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप मेरी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.techandsocial.com, ये मेरी वेबसाइट है, आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।